कुमार पर दिए अपने बयान पर उपेंद्र कुशवाहा ने सफाई दी है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मैंने आम बिहारी जो चाहते हैं वो भावना व्यक्त की थी। बिहार के लोगों की इच्छा है कि नीतीश कुमार देश का नेतृत्व करें, साथ ही अगर दल की बात करें तो उसकी ओर से ऐसा नहीं है। कुशवाहा के बयान को लेकर बिहार में सियासी पारा भी गर्म हो गया है, तो उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि आम बिहारी जो चाहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, उस भावना को उन्होंने व्यक्त किया। कहता है कि बिहार का कोई व्यक्ति उस ओर आगे बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक रूप से बिहार के लोगों के लिए, और हम भी बिहारी हैं, तो मुझको व्यक्तिगत रूप से तो हम चाहेंगे ही, और हर बिहारी चाहेगा कि बिहार का कोई व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बने, देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। तो उस दृष्टि से मेरी भावना है और हर बिहारी की यह भावना होगी। लेकिन जहाँ तक पार्टी का सवाल है, तो पार्टी ने नीतीश कुमार जी को फिलहाल अधिकृत किया है विपक्ष को एक साथ लाने के लिए। हम फिर दोहराएंगे कि पार्टी की कोई शर्त नहीं है। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो हिंदुस्तान को प्रथम राष्ट्रपति इसी बिहार की धरती में देने का काम किया। लेकिन एक जगह है जहां बिहार के लोग नहीं पहुंच पाए हैं अभी, अब उसको बहुत साफ साफ बताने में कठिनाई है। नारा तो नीचे से लोग लगा ही है, यह अवसर है, इस अवसर को हाथ से नहीं निकलने देना है। क्या नीतीश जी ने ऐसा कुछ कहा है क्या? अगर नीतीश जी ने नहीं कहा है तो बाकी जदयू नेता क्या बयान है? जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कई बार बोल चुके हैं नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है, दावेदार नहीं है। इसके बावजूद अगर जेडीयू के कोई नेता जो इस तरह का बयान दे रहे हैं, क्या उन्होंने ललन सिंह जी से पूछ लिया है बिहार का कोई आदमी बनना चाहिए, कौन बनना चाहिए? मैं समझता हूँ इस तरह के बयान देने के बजाय लक्ष्य ये होना चाहिए कि समान विचारधारा की पार्टियाँ कांग्रेस पार्टी के साथ अंडरस्टैंडिंग बना के एक बढ़िया गठजोड़ बनाएं। ऐसे शक्ति जो देश में धर्म के नाम पर जो है देश को बांटना चाहता है, ऐसी शक्ति को हटाना है और सभी पार्टी मिलकर जो है देश में एकजुट होना है। और भारतीय जनता पार्टी का जो अनर्गल बयान आता है, इससे यह पता चलता है कि जिस तरह से बिहार में सत्ता छीनी गई है उनके हाथों से, उसी तरह से देश की भी सत्ता जो है छीनी जाएगी। इसलिए वह लोग जो है अनर्गल बयान देने का काम करते हैं, उससे हम लोगों के नेताओं पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। उपेंद्र कुशवाहा जी को शायद ये भी जानकारी नहीं है, संसदीय बोर्ड बन जाना और उनकी अपने सपने तो पूरे हुए नहीं, तो कुछ सपने जो बाकी लोग देख रहे हैं उसमें वो अपना हाथ जोड़ रहे हैं। जिस लालसा से वो जदयू में गए थे, जो बड़ी बड़ी वादे उनको करने के लिए कहा गया था, वो सारे सपने उनके टूट गए। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट